गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज 22 फरवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज एनालिसिस करेंगे जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रत्येक दिन दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का PDF मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करता हूँ और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट न्यूज होता है, जैसे आज का मान लीजिए ये न्यूज इम्पॉर्टेंट है और ये न्यूज इम्पॉर्टेंट है, ये भी न्यूज इम्पॉर्टेंट है, तो जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको इस तरह से टिक करके मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। टेलीग्राम निश्चित तौर पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। न्यूज़ को पढ़ने की आवश्यकता है, न्यूज़ को सभी लोग को पढ़ना चाहिए। मेरा एनालिसिस अगर आप देखते हैं अच्छी बात है, लेकिन न्यूज़ को पढ़ कर अगर आप देखेंगे तब आपके लिए अधिक बेनिफिशियल होगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या विजडम एजुकेशन को सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको वहाँ भी आपको मिल जाएगा। आज का क्वेश्चन, पेगारस जांच मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी समिति बनाई गई है, और आज इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि फर्स्ट पेज पर ही ये न्यूज़ है। और ये जो समिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बनाया गया था पेगारस जो स्पाईवेयर था उसको जाँच के लिए, उस समिति ने अपना रिकमेंडेशन दे दिया। तो अब कुछ दिन के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस मामले पर रेगुलर सुनवाई होगी। तो आपको बताना है कि पेगारस जांच मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सी समिति बनाई थी। अजय भूषण पांडे समिति, सुधीर कुमार सक्सेना समिति, जनरल RS सिन्हो समिति या RV रविंद्रन समिति। थोड़ी समय की आज कमी है, बहुत डिटेल्स एनालिसिस तो नहीं करूंगा, बस एडिटोरियल में डिटेल्स एनालिसिस कर दूंगा। अब देखिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप लोगों ने मेरा एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था बजट 2022-23 पे, वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। पीएम मोदी कल किसी समिति को संबोधित कर रहे थे, एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा था कि बजट में 5 बिंदु पर फोकस किया गया। जिस 5 बिंदु को उन्होंने चर्चा किया, पहला था कि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करना, कौशल विकास करना, अर्बन प्लानिंग करना और विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों के सेंटर खोलने, ये सारा का सारा चीज़ उन्होंने चर्चा किया। 2-3 बातें जो इम्पॉर्टेंट उन्होंने उस वेबिनार में कही है, पहले कि नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी अब इम्प्लीमेंट होगा और नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी जैसे ही बनेगा वैसे कंडीशन में उच्च शिक्षा में जो सीटों की समस्या होती है, खास करके JNU अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है, IIT जैसे संस्थान में आपको एडमिशन नहीं मिलता है, तो सीटों की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी उच्च शिक्षण संस्थान में। तो इसको लेकर के अब जो है नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी को लेकर के प्लानिंग हो रही है और जल्द आपको देखने को मिलेगा 2023 में आई थिंक नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी खुल जाएगा। दूसरा उन्होंने जो है, चूंकि कल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस था, कल हमने डिस्कस भी किया था कि 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। उन्होंने एक बात की जिक्र किया, अगर अभी आप गौर करेंगे हमारे देश में उच्च शिक्षा को लेकर के, हमारे देश में उच्च शिक्षा को लेकर के जो एक समस्या है, और वो समस्या ये है, जैसे अगर आप चीन में जाएंगे तो चीन में क्या है कि चीनी भाषा में शिक्षा दिया जाता है, जापान में जापानी भाषा में शिक्षा दिया जाता है, उत्तरी कोरिया में कोरियन भाषा में शिक्षा दिया जाता है, लेकिन भारत में क्या है कि हिंदी के साथ इंग्लिश को अधिक प्रायोरिटी दिया जाता है। तो अभी क्या है कि सरकार एक बहुत अच्छी चीज़ पे काम कर रही है, वो यह कर रही है कि जो मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए उसको बढ़ावा दे रही है। जो मदर लैंग्वेज होता है, जैसे बंगाल का बच्चा कोई होगा तो बंगाली भाषा में उसको शिक्षा दिया जाए, इंजीनियरिंग उसे बंगाली भाषा में करवाया जाए, मेडिकल करवाना है, डॉक्टर बनाना है, वो तो बंगाली भाषा में बनाया जाए, तो उससे क्या होगा, अगर मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो क्या होगा कि कौशल विकास तेजी से होगा, उद्योग का विकास तेजी से होगा, देश का विकास तेजी से होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पीएम मोदी ने कहा है कि एक समय था कि हमारे देश में नालंदा और तक्षशिला जैसे उच्च शिक्षण संस्थान थे जहां विदेश से लोग पढ़ने के लिए आते थे, तो अब हमें क्या करना है कि विश्व की यूनिवर्सिटी को इंडिया ला करके, अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो अपना ब्रांच इंडिया में खोले और भारत का बच्चा वहीं पर पढ़ लें। हमारे देश के बच्चे अगर विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं उससे क्या होता है, उससे एक तो होता है कि हमारे देश का जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, विदेशी मुद्रा भंडार कहीं कम होता है, हमारा पैसा जो है दूसरे देश चला जाता है।
तो इसी कंडीशन में जो है विश्व की यूनिवर्सिटी इंडिया में आकर के अपना ब्रांच खोले, ये सारा का सारा चीज़ें उन्होंने चर्चा किया। अच्छा, ये सारा का सारा जो पॉइंट मैंने बताया है, अगर हायर एजुकेशन को आपको लिखना है तो उस पॉइंट में आप इसको जोड़ सकते हैं। ये जो न्यूज है, पेगारस प्रक्रम में एक्सपर्ट पैनल ने अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। पेगारस जांच को लेकर के 27 अक्टूबर 2021 में एक समिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बनाया था। पेगारस मामले आप सभी को याद है। पेगारस मामले क्या है कि इजराइल की कंपनी एनएसओ है और उस कंपनी का बनाया हुआ एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर क्या होता है कि एक तरह का वायरस होता है और उस वायरस को आपके व्हाट्सएप के माध्यम से इनबिल्ट आपके सिस्टम में किया जाता है। जैसे हमने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो उस मैसेज से ही जो है एक कहीं के स्पाईवेयर आपके सिस्टम में जाएगा और आपके जो मोबाइल में जाएगा या आपके लैपटॉप में जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपके मोबाइल को एक एक चीज़ हम रेगुलेट कर सकते हैं। आपके मोबाइल पे जितना भी वीडियो है, ऑडियो है, सब कुछ हम देख सकते हैं। जितना फोटो है सब हम देख सकते हैं। आपके मोबाइल को पूरी तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यही केस था स्पाईवेयर को लेकर के, पेगारस जासूसी कांड यही था। तो इसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज थे जस्टिस आर वी रविंद्रन समिति, जस्टिस आर वी रविंद्रन समिति बनाया था और उस समिति ने अपना रिपोर्ट दे दिया है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगी कि कुछ दिन के बाद आई थिंक 23 फरवरी से इसकी सुनवाई करना शुरू करेगी। 23 फरवरी से यानी कल से इसकी सुनवाई लगातार करना शुरू कर देगी। इंटरनेट मीडिया को का दुरुपयोग रोकने को तत्काल कदम उठाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। अच्छा, हाल में 2021 में जो है आईटी एक्ट में संशोधन किया गया। अगर आप आईटी एक्ट में संशोधन करेंगे, आईटी एक्ट हमारा 2000 का बना हुआ, इसमें जो संशोधन किया गया है इसमें बेसिकली तीन पार्ट में संशोधन किया गया। तो आईटीएक्ट में जो संशोधन किया गया बेसिकली तीन पार्ट में उसको संशोधन किया गया है और वो पार्ट भी कहीं कहीं से जुड़ा हुआ। एक तो क्या गया है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको रेगुलेट करने की चर्चा किया गया था, जैसे ट्विटर हो गया। शिकायत निवारण अधिकारी, आपको याद होगा कि बहुत सारे कंपनी अभी शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं। जैसे ट्विटर का शिकायत निवारण अधिकारी कोई होगा, फेसबुक का है, इसी तरह से अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैं। तो ये संशोधन बेसिकली इसी में किया गया था, आईटी एक्ट में ही संशोधन किया गया था और उसमें एक प्रोविज़न किया गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना है। और उसके रेगुलेशन में एक पॉइंट यह भी था कि शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति किया जाना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया गया। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट किया गया। जितना भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मूवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह है, उसको रेगुलेट किया गया। और तीसरा था कि जो सोशल न्यूज़ चैनल है, सोशल मीडिया जो न्यूज का मीडिया है उसको रेगुलेट करना था। जैसे ललन टॉप हो गया, ललन टॉप कोई रेगुलर मीडिया नहीं है बल्कि सोशल मीडिया है एक तरह से। सोशल मीडिया का एक क्या कह सकते हैं आप, इंटरनेट मीडिया आप कहिए उसको, एक इंटरनेट मीडिया है। तो इंटरनेट मीडिया को रेगुलेट करने के लिए भी कदम उठाया गया था। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चिंता ना करें, इस बार सामान्य रहेगा मानसून। तो मानसून को लेकर के इस बार अच्छी न्यूज़ है, 96 से लेकर के 104% तक मानसून हो सकती है। 2022 अच्छा गुजरने वाला फसल के दृष्टिकोण से। बाकी एक न्यूज़ यह भी इम्पोर्टेंट है कि 12 से 18 साल वालों के लिए एक और टीका की शुरुआत किया गया है जो 12 से 18 साल वाले बच्चों को लगेगा। ओके, पेज नंबर थर्ड पे जो है दो न्यूज़ दिख रहा है यहाँ पे, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। एक तो इम्पोर्टेंट ये है, आपको मैंने कई बार यहाँ पे डिस्कस किया है बाल स्वराज पोर्टल के बारे में। तो बाल स्वराज पोर्टल पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया था कि जो भी बच्चे मान लीजिए रोड पे घूम रहे हैं, जो अनाथ है, जो भीख मांग रहे हैं, उसको आप बाल स्वराज पोर्टल पे रजिस्टर कीजिए। बाल स्वराज पोर्टल पे रजिस्टर्ड कीजिए वैसे बच्चे जो घूम रहे हैं, जो सड़क पे हैं। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है कि अभी तक महज 17,914 बच्चों की ही जानकारी उपलब्ध करवाई गई है, इतना
लगभग मान लीजिए 18,000 बच्चों को ही बाल स्वराज पोर्टल पर रजिस्टर किया गया है, इतने ही बच्चे की जानकारी उपलब्ध है। जबकि हमारा एस्टिमेट है, हमारा मानना है, और ये कहीं ना कहीं सही भी है, कि अभी टोटल 15 से 20 लाख बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं सड़क पर हैं, सड़क पर रहने वाले 15 से 20 लाख बच्चे हैं, और जानकारी कितनी उपलब्ध करवाई गई, 18,000 की। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप जितना हो सके, जितना जल्द से जल्द हो सके, सभी बच्चे जो सड़क पर रह रहे हैं उसकी जानकारी आप उपलब्ध करवाइए, बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे भी एक आयोग है, देखिए बच्चों को लेकर के जो एक आयोग एक्शन लेती है वो यह आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो बच्चों को लेकर के जो भी एक्शन लेगी वो यही आयोग लेगी। और ये आयोग का जो अध्यक्ष होता वो बाय डिफॉल्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का सदस्य होता, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बाय डिफॉल्ट वो सदस्य होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हमारे देश के विदेश मंत्री फ्रांस का दौरा कर रहे हैं, देखिए कोई भी जो दौरा होता है, हमारे देश के विदेश मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनका जो दौरा होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा होता है, और वो दौरा के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य इस मीटिंग का ये है कि ब्लू इकोनॉमी में भारत और फ्रांस दोनों मिलकर काम करेंगे। हिंद महासागर का एक लोकेशन है रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड को मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। ओके, ये हमारा प्यारा भारत है, और इसके अगर आप नीचे जाएंगे हिंद महासागर, ये सारा का सारा क्षेत्र हिंद महासागर का है। यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर जो है अफ्रीका है ये, और अफ्रीका के पास यहाँ पे मेडागास्कर है। मेडागास्कर के बगल में ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है ये रीयूनियन आइलैंड है, ये जो आइलैंड है ये रीयूनियन आइलैंड है। तो ये रीयूनियन आइलैंड बेसिकली फ्रांस का बेस है, विश्व में सबसे अधिक बेस में से एक फ्रांस का बेस भी है। हालांकि विश्व में सबसे अधिक बेस जो है चीन का बेस है, सबसे अधिक द्वीप चीन का है, लेकिन फ्रांस का भी विश्व में सबसे अधिक बेस में से एक नंबर फ्रांस का भी आता है। एक और मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ, अब ये देखिए ये जो है दक्षिणी, ये जो है दक्षिणी अमेरिका है, ये ब्राज़ील हो गया, वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया। यहाँ पे एक मैं लोकेशन आपको दिखाता हूँ, ये फ्रेंच गुयाना, और फ्रेंच गुयाना जो ये जो पूरा पूरा आपको दिख रहा है ये भी कहीं के फ्रांस का आधिपत्य है इस पर भी। और कई सारे जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जिस तरह से कई सारा जो हमारा इसरो का सैटेलाइट भी जो फ्रांस लॉन्च करता है यही से लॉन्च करता है, फ्रेंच गुयाना से लॉन्च करता है। और फ्रेंच गुयाना कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका जो महासागर महादेश है वहाँ पे फ्रेंच गुयाना है। तो इस तरह से फ्रांस का कई सारा विश्व में बेस है, और फ्रांस का विश्व में कई जगह टेरिटरी है। इसलिए अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन किसका है ये पूछा जाता है, तो विश्व में जो सबसे अधिक टाइम जोन है वो फ्रांस का। कई लोगों को लगता है कि रूस का विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन है, नहीं, विश्व में अधिक टाइम जोन जो है वो फ्रांस का है, क्योंकि फ्रांस के कई सारे टेरिटरी हैं। तो अगर मान लीजिए हिंद महासागर में भारत को भी मजबूत होना है, तो ऐसे कंडीशन में जो है हिंद महासागर में फ्रांस के कई सारे बेस हैं, भारत उसका उपयोग कर सके, इसलिए भारत और फ्रांस लगातार मिलकर काम करते हैं। तो हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं उसके विजिट करने का एक मकसद तो ये है कि ब्लू इकोनॉमी में हम लोग मिलकर काम करेंगे। ब्लू इकोनॉमी मतलब हो गया समुद्री अर्थव्यवस्था, समुद्र से आधारित जो अर्थव्यवस्था उसे ब्लू इकोनॉमी कहा गया। और दूसरा रीजन है कि अभी यूरोपीय यूनियन की मीटिंग होने वाली है, और यूरोपीय यूनियन की वर्तमान का अध्यक्ष ये फ्रांस है, यूरोपीय यूनियन का वर्तमान का जो अध्यक्ष है वो फ्रांस है। तो ऐसे कंडीशन में यूरोपीय यूनियन हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर के एक सामूहिक रणनीति तय करें, इसके लिए भी हम आवश्यक था कि हम फ्रांस से बातचीत करें और फ्रांस को बोले कि चूंकि आप अध्यक्षता कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन की, तो आप हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर के एक सामूहिक रणनीति तय करें और भारत के इम्पोर्टेंस को आप स्वीकार करें, राइट। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। तेरह हज़ार बीस करोड़ की सीमा प्रबंधन योजना को मंजूरी। हमारे जो यहाँ सीमा प्रबंधन सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा दो पड़ोसी देश जो है कहीं ना कहीं भारत का शत्रु है, एक तो चीन है और दूसरा पाकिस्तान है,
और कई बार आपको देखा यह भी जाता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश से भी पाकिस्तान के लोग या चीन के लोग बांग्लादेश से भी भारत में घुसने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रकरण में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि एक चीनी जासूस को बांग्लादेश से भारत इंटर कर रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया था। तो सीमा प्रबंधन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके लिए सरकार सीमाओं के प्रबंधन के खातिर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट की योजना की शुरुआत किया है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट योजना, इसके लिए 13,000 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है। अब देखिए, बॉर्डर की अगर बात किया जाए तो दो चीज़ों को याद रखिएगा। एक तो कहाँ पे कौन हमारी बॉर्डर की सुरक्षा करता है, जैसे BSF के जो जवान हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा है उसकी सुरक्षा करता है। SSB सहस्त्र सीमा बल, सहस्त्र सीमा बल जो है भूटान और नेपाल के साथ हमारी बाउंड्री की सुरक्षा करता है। असम राइफल म्यांमार के साथ हमारी बाउंड्री की सुरक्षा करता है। और ITBP के जो जवान हैं, ITBP के जवान चीन के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है। तो ये बेसिक चीज़ है, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ देगा आपको, कन्फ्यूज़ आप हो जाइएगा, पूछ देगा म्यांमार के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा कौन करता है, भूटान के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा कौन करता है, बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा कौन करता है। तो सब अलग अलग है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको याद रहेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है BSF के जवान। BSF के जवान आपको दो जगह मिल जाएंगे, पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा है और बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमा है। चीन के साथ जो हमारी सीमा है उसकी सुरक्षा करता है ITBP के जवान, ITBP के जवान। म्यांमार के साथ जो हमारी सीमा है उसकी सुरक्षा करता है असम राइफल, असम राइफल के जवान। अब दो अन्य देश बच गए, एक तो भूटान बच गया और दूसरा नेपाल बच गया। तो नेपाल और भूटान के साथ जो हमारी सीमा की सुरक्षा करता है वो करता है SSB के जवान। SSB मतलब होता है सहस्त्र सीमा बल के जवान। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा है कि हमारी सबसे बड़ी जो सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ, 4,096 किलोमीटर की सीमा है। सेकेंड नंबर पे आता है चीन। कई लोगों को लगता है कि सेकेंड नंबर पे आता है पाकिस्तान, ऐसा नहीं है। सेकेंड नंबर पे चीन आता है, 3,488 किलोमीटर की सीमा है। थर्ड नंबर पे आता है पाकिस्तान, 3,323 किलोमीटर की सीमा है। और सबसे जो छोटी सीमा है, हमारी जो सबसे छोटी सीमा है वो इनफैक्ट है अफगानिस्तान के साथ। आई थिंक 98 किलोमीटर की सीमा हमारी अफगानिस्तान के साथ लगती है। और डायरेक्ट सीमा नहीं लगती है, इनडायरेक्ट लगती है, क्योंकि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो अफगानिस्तान की सीमा लगती है वो लगती है 98 किलोमीटर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वर्तमान में पाकिस्तान के नियंत्रण के क्षेत्र में है। तो डायरेक्ट सीमा हमारी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट सीमा ज़रूर हमारी है अफगानिस्तान के साथ। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए घूस का प्रमाण पत्र जरूरी है। मौलिक कर्तव्य को लागू करने की मांग पे केंद्र राज्यों को नोटिस, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। लोन देने में ग्राहक हितैषी बने बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार इसको भी देख सकते हैं। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। UPSC का क्वेश्चन देखते होंगे, लगातार क्वेश्चन पूछता है। विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया। भारत अपनी खाद्य जरूरत का, जितना आप तेल खाते हैं, खाद्यान्न तेल की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्कूटर का तेल आप खाते हैं, या कुछ जगह इसको करू तेल कहा जाता है, कुछ जगह अन्य तेल कहा जाता है, लेकिन खाद्य तेल जो है, उस खाद्य तेल का 60% हम जरूरत जो है आयात करते हैं। जितना हम प्रोडक्शन, इसका मतलब कि 40% महज प्रोडक्शन होता है, 60% हम आयात करते हैं। तो इसलिए आप देखे होंगे कि लगातार खाद्य तेलों की मांग बढ़ रही है, स्कूटर के तेल की लगातार मांग बढ़ रही है और कीमत भी लगातार बढ़ रही है। जो पहले 100-110 रुपये के आसपास किलो होता था, अब 200 रुपये से क्रॉस हो गया। तो इसको लेकर के लगातार पिछले कई वर्ष से शॉर्टेज चल रहा है, कई वर्ष से समस्या हो रही है। UPSC का क्वेश्चन देखेंगे, पिछले 3-4 वर्ष से लगातार कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पूछेगा।
इस टॉपिक पे एक नोट आप लोग बना लीजिएगा। तो सरकार देख रही है कि खाद तेलों की समस्या हो रही है, हम ज़्यादातर खाद तेल आयात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए की पाम ऑयल मिशन शुरुआत किया। आने वाले कुछ वर्ष में हो सकता है 2023 से इसका असर आपको व्यापक तौर पर देखना शुरू होगा। और ये जो न्यूज़ बेसिकली संबंधित है, ये संबंधित है SEA जो एक संगठन है, इस संगठन का कहना है कि खाद्य तेलों की कीमत 3 से 5 रुपए प्रति किलोग्राम कम करने की अपील इन्होंने किया है। IDBI बैंक से बाहर नहीं होगी LIC, LIC और सरकार ये दोनों मिलकर के IDBI बैंक की IDBI बैंक की 90% हिस्सेदारी है इनके पास। और LIC क्या हो रहा है, LIC कहीं इनके शेयर मार्केट में जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में LIC का कहना है कि वो IDBI बैंक से बाहर नहीं होगी, यानी अपने बहुत ज़्यादा शेयर को जो IDBI बैंक की शेयर है, IDBI बैंक की शेयर है, उसको वो बेचेगी नहीं। ओके, एडिटोरियल सेक्शन पे हम आ गए। ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में इस एडिटोरियल पे। देखो, श्रमिक की जो समस्या है, श्रमिकों की समस्या को लेकर के आपने देखा होगा कि किस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री ने कमेंट किया। और पंजाब के मुख्यमंत्री कमेंट करने से पहले भी श्रमिक जो है इम्पॉर्टेंट रहा है। श्रमिक की समस्या देश में लगातार चर्चा में रही है, और ख़ास करके याद कीजिए कोरोना की वो भीषण तबाही, जिस समय में हजारों लाखों मजदूर किस तरह से पैदल चलना शुरू कर दिए थे, दिल्ली से, मुंबई से, बिहार की तरफ, यूपी की तरफ, कर्नाटका से। तो कोरोना की प्रवासी मजदूरों की समस्या या पलायन की समस्या लगातार चर्चा में है। तो ये जो एडिटोरियल फिर आया पंजाब के मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आया, लेकिन ये टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक का एनालिसिस करेंगे। और ये जो राइटर हैं वैसे भी भरत झुनझुन वाला ये अच्छे एडिटोरियल लिखते हैं, मेरे एक फेवरेट एडिटोरियल ये राइटर हैं, तो डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। देखिए, प्रवासी को लेकर के जो प्रारंभिक विचार है वो दिए हैं रेवेनस्टीन। रेवेनस्टीन एक पश्चिमी विचारक हैं, और सबसे पहले इन्होंने प्रवासी को लेकर के अपना विचार दिया। 1989 में एक किताब इन्होंने लिखा, जिस किताब का नाम है लॉ ऑफ माइग्रेशन। और इस किताब में इन्होंने पुश पुल का सिद्धांत दिया, आकर्षण और अपकर्षण का सिद्धांत दिया। आकर्षण क्या होता है, अपकर्षण क्या होता है? आकर्षण होता है कि श्रमिक को क्या आकर्षित करता है, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। मान लीजिए श्रमिक हो या उसकी फैमिली हो, उसको कहीं भी इलाज करवाना हो तो जाकर के इलाज इमीडिएटली करवा लें। उसको अच्छा स्कूलिंग होना चाहिए ताकि अपने बच्चों को अच्छा स्कूलिंग में भेज सके। तो ये सब जो चीज़ें हैं श्रमिकों को आकर्षित करती है। अच्छा रोजगार होना चाहिए, तो इसी आकर्षण के कारण वो गांव से शहर की ओर जाता है। दिल्ली में उसको सारा चीज़ मिलता है, पंजाब में उसको सारा चीज़ मिलता है, इसलिए बिहार छोड़ के वो दिल्ली जाता है, बिहार छोड़ के पंजाब जाता है, बिहार छोड़ के केरल जाता है, कर्नाटका जाता है। और अपकर्षण क्या होता है, अपकर्षण मतलब होता है कि वहाँ की जो तत्कालिक समस्याएँ हैं, जहाँ पर उसका घर है, जहाँ पर उसका मौलिक घर है, जहाँ उसका गाँव है, वहाँ की जो समस्याएँ हैं वो उसको आहत देती हैं। जातिवाद की एक समस्या है, शहर में जातिवाद की कोई समस्या नहीं होती, गांव में जातिवाद की समस्या होती है, इसलिए गांव से शहर की ओर पलायन करता है। तो गांव से शहर की ओर जो पलायन करता है उसका एक कारण जातिवाद भी है, उसका एक कारण बेरोजगारी भी है। गांव में अच्छा स्कूल नहीं है यह भी है, गांव में अच्छे अस्पताल नहीं है यह भी है, गांव में अच्छी सुविधा नहीं है यह भी है, गांव में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यह भी है। तो ये सारे अपकर्षण है, और शहर की आकर्षण उसको आकर्षित करता है, इसलिए इसे कहा गया पुश पुल का सिद्धांत, यानी आकर्षण अपकर्षण का सिद्धांत। 2011 की जनगणना के अनुसार 45 करोड़ श्रमिक जो है, या 45 करोड़ प्रवासी हैं, देश की टोटल जनसंख्या में 45 करोड़ लोग जो है प्रवासी हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाकर के निवास किया। दो में यूनेस्को के अनुसार प्रवासी की जीडीपी में योगदान 10% है, और 18 और 19 का आर्थिक समीक्षा ले लीजिए या इस बार का भी आर्थिक समीक्षा लीजिएगा, लगभग 93% मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं इस एडिटोरियल पे। ओके, देखिए IMF ने एक चीज कही है,
एक बात कही है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट IMF ने कहा है। IMF ने कहा है कि कुशल और अकुशल श्रमिक, कुशल और अकुशल श्रमिक दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। कैसे साबित किया उन्होंने कि अगर कुशल श्रमिक कहीं जाएंगे तो वहाँ के अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। जैसे इंडिया के पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO बने हैं, तो निश्चित तौर पर ट्विटर को स्ट्रॉन्ग करने में उसकी भूमिका है। गूगल लगातार विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बन रही है, तो इंडिया के जो है सुंदर पिचाई गूगल के CEO बने हैं। तो जहाँ पे कुशल श्रमिक जाएंगे वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, चाहे वो नर्स हो, चाहे IT प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो या कोई अन्य हो। तो ये तो मान लीजिए पॉजिटिव है, कुशल श्रमिक अगर कहीं जाता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। लेकिन अकुशल श्रमिक जाएगा वो भी वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। कैसे? कुशल श्रमिक मतलब क्या हो गया? IT प्रोफेशनल हो गया, जिसके पास एक अच्छा स्किल हो गया वो कुशल श्रमिक हो गया। और अकुशल श्रमिक कौन हो गया? मजदूर हो गया, जो खेत वगैरह में काम करते वो हो गया। तो कुशल और अकुशल श्रमिक दोनों ही किसी भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ये कहना IMF का। कुशल श्रमिक कैसे योगदान देते हैं वो मैंने चर्चा कर दिया, और कुशल श्रमिक किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था में या जहां वो जाते हैं वहां की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो अकुशल श्रमिक अगर कहीं जाएंगे तो वहां पे कुशल कार्य के लिए वहां के श्रमिक को या वहां के लोगों को मुक्त कर देते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार के श्रमिक अगर पंजाब जाएंगे तो पंजाब में खेत में काम करेंगे, तो पंजाबी लोग को खेत में काम नहीं करना होगा, वो क्या करेगा कि जो खेत में काम हुआ यानी जो धान वगैरह होगा उस धान को ई मार्केट प्लेस पे बेचने का काम शुरू कर देगा या उसका जो है सौदा करना शुरू कर देगा। तो ये जरूरी है कि कुशल अकुशल श्रमिक अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ के लोगों को वो कुशल कार्य के लिए मुक्त कर देते हैं कि आप लोग जाइए दूसरा काम कीजिए, हम आपके खेत पे धान काट लेंगे। तो वो कुशल कार्य के लिए उसको मुक्त कर देते हैं, यानी वो मान लीजिए उसको बेचने का काम कर सकता है या कोई अन्य भी काम कर सकता है। श्रमिक के पलायन के कारण मेजबान क्षेत्र में वेतन कम हो जाता है। एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि जहाँ श्रमिक की अधिकता होगी वहाँ वेतन कम होगा। जैसे पंजाब में मान लीजिए बिहार के श्रमिक की अधिक संख्या है, दिल्ली में बिहार के श्रमिक की अधिक संख्या है, तो बिहार या दिल्ली या पंजाब में आपको 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से श्रमिक आराम से मिल जाएगा। लेकिन वही मणिपुर की मैं बात करूँ, मणिपुर में प्रवासी श्रमिकों की संख्या काफ़ी कम है, तो मणिपुर में कोई लेबर चाहिए आपको तो 1200 रुपया प्रतिदिन आपको देना होगा। अब सोच के देखिए कितना डिफरेंस है। पंजाब में जहां आपको 500 रुपया में एक लेबर मिल जाएगा एक दिन के लिए, वहीं पे मणिपुर में आपको 1200 रुपया से अधिक आपको लग जाएगा एक दिन के लिए। तो जहां पे श्रमिक जाते हैं वहां पे वेतन कम हो जाता है। श्रमिक की सप्लाई करने वाले राज्य के भी लाभदायक है, बिहार के लिए भी। श्रमिक की सप्लाई कौन कर रहा है? बिहार कर रहा, यूपी कर रहा, तो बिहार और यूपी के लिए भी लाभदायक है। कैसे? देखिए जो केरल को एक एग्जाम्पल आप देखिए, केरल के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं प्रवासी श्रमिकों की भूमिका है, क्योंकि केरल के अधिकतर लोग खाड़ी देशों में निवास करते हैं, UAE में निवास करते हैं। आज मुझे भी बनाना भी एक टॉपिक इंडिया UAE रिलेशन, तो मैं डिस्कस भी वहाँ पे करूँगा ये बात कि UAE में अगर निवास करते हैं तो वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं, पैसे वापस अपने घर को भेजते हैं। बिहार का श्रमिक अगर मान लीजिए दिल्ली में काम करता है तो दिल्ली से पैसा अपने घर पर बिहार में भेजता है, तो जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो जो राज्य श्रमिक का सप्लाई करता है वहाँ रिमिटेंस मिलता है, जिससे वो राज्य स्ट्रांग होता है, उस राज्य की GDP मजबूत होती है, उस राज्य से बेरोजगारी भी दूर होती है, बिहार की बेरोजगारी भी दूर होती है। समस्या एक ही है, समस्या ये है कि ब्रेन ड्रेन की समस्या, कि बिहार के वैसे लोग जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है वो बिहार के डेवलपमेंट में भूमिका ना निभाते हैं। बिहार के IAS IPS मुंबई को डेवलप करने में उसकी भूमिका है, बेंगलोर को डेवलप करने में उसकी भूमिका है, लेकिन बिहार को वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो समस्या बस ब्रेन ड्रेन की समस्या है। और प्रोफेसर जगदीश भगवती को उन्होंने कोट किया है कि जिस तरह से 20वीं सदी में वस्तुओं का व्यापार हुआ, 20वीं सदी में जिस तरह से वस्तुओं का व्यापार हुआ है उसी प्रकार 21वीं सदी में श्रमिक का वैश्विक पलायन बढ़ेगा। ये प्रोफेसर जगदीश भगवती का कोटेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एडिटोरियल आपका बहुत क्लियर हुआ होगा। और प्रभावी बने बैंकिंग प्रबंधन, इसको पढ़ लीजिएगा, ये बेसिकली संबंधित है जो वर्तमान में 22,000 करोड़ रुपए का बैंकिंग घोटाला हुआ, जो इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला है, उसी को लेकर के ये संबंधित है।
लैंगिक समानता का सपना, इसको भी पढ़ सकते हैं। मतांतरण पर बने सख्त केंद्रीय कानून। मतांतरण मतलब क्या होता है, एक धर्म का दूसरे धर्म में कन्वर्जन होता है और उसको लेकर के सख्त कानून बनना चाहिए। देखिए देश में सबसे अधिक जो है, या सबसे पहले की मैं बात करूँ, सबसे अधिक तो नहीं, सबसे पहले की मैं बात करूँ, सबसे पहले मतांतरण ईसाई ने करना शुरू किया भारत में, और ईसाई के बाद सबसे अधिक ईसाई का मतांतरण हुआ है, उसके बाद सबसे अधिक मुस्लिम का मतांतरण हुआ है। और विश्व की अगर आप देखिएगा तो यही दोनों ईसाई और मुस्लिम में विश्व में सबसे अधिक मतांतरण किया। पर्शियन कंट्री आपको याद होगा कि ईरान जो है एक पर्शियन कंट्री है। ईरान अगर आप देखिए कि पारसी वहाँ पढ़ाते थे, आज ईरान पूरी तरह मुस्लिम कंट्री बन चुका है क्योंकि मतांतरण खूब हुआ था ईरान में। मिस्र वगैरह आज जो है वो पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री बन चुका है। इसी तरह से विश्व के कई सारे देश ईसाई कंट्री बन चुके हैं पूरी तरह से। तो मतांतरण सबसे अधिक विश्व में ईसाई और मुस्लिम दोनों का हुआ है। तो इसी को लेकर के भारत में भी मतांतरण को लेकर के कई सारी घटनाएं आती रहती हैं, तो उसका सख्त केंद्रीय कानून बनना चाहिए। अच्छा, मतांतरण के बारे में एक बात बता दूं कि भारत के संविधान आपको लिबर्टी देता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, तो ये मतांतरण नहीं है। आप लिबर्टी से, आप स्वेच्छा से किसी धर्म को अपना लीजिए, ये मतांतरण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतांतरण तब है जब आपकी इच्छा के विरुद्ध या आपको किसी लोभ लालच के साथ जो है धर्मांतरण करवाया जाता है, वो मतांतरण है। नया भारत और नई लोक सेवा, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी से संबंधित न्यूज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और खास करके जिनका भी लोक प्रशासनल ऑप्शनल है या पॉलिटी ऑप्शनल है उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कट करके मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा। पाक के FATF की निगरानी सूची में बने रहने के पूरे आसार। FATF मतलब क्या होता है, FATF मतलब होता है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 में किया गया था G7 कंट्री के माध्यम से। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो चीजों को लेकर के ये एक्शन लेती है। एक तो शुरुआत जो किया गया था FATF का 1989 में, उस समय में इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के हम एक्शन लेंगे। 2001 में जब अमेरिका में आतंकवादी हमला होता, तो उसके बाद इसमें एक पॉइंट और जोड़ा गया, टेरर फंडिंग, आतंकवादी को वित्त पोषण, टेरर फंडिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग, अब इसका दो उद्देश्य है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और टेरर फिनेंसिंग को रोकना, आतंकवादी को वित्त पोषण रोकना। दोनों ही जो आरोप है या दोनों ही इसका जो मकसद है, उस दोनों मकसद में पाकिस्तान नाकामयाब है, इसलिए FATF की ग्रे लिस्ट में ये बरकरार रहने की इनकी संभावना है। ट्रूथ सोशल के जरिए ट्रंप की इंटरनेट मीडिया पे वापसी। ट्रूथ सोशल ये लॉन्च किया है ट्रंप साहब ने, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना खुद का मीडिया लॉन्च किया, सोशल मीडिया लॉन्च किया, जिसका नाम रखा है ट्रूथ। चलिए लौटते हैं क्वेश्चन पे। पेकारस जांच मामले की जो समिति बनाई गई थी, वो बनाया गया था RV रविंद्रन समिति। इसका आंसर है ऑप्शन डी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।